देखिए यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन के साथी प्रत्याशी जीत रहे हैं। आपकी बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा भी की कुछ हैसियत थी और कांग्रेस की भी हैसियत थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां, बल्कि मैं कहूँ उसमें बसपा भी जोड़ लूँ, तो तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुँह से वो अच्छा नहीं लगता, ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के समर्थन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियां आईसीयू में हैं। और वहीं उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कहा कि ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी है, इसके बारे में मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं और देश में 400 पार सीटें होंगी। देखिए यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन के साथी प्रत्याशी जीत रहे हैं। देश में आपकी बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह जन जन की आवाज है, जन जन का संकल्प है और जन जन का आशीर्वाद भी मिल रहा है। देश में मोदी लहर है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। यह गठबंधन 2017 में भी बना था, तब सपा भी की कुछ हैसियत थी और कांग्रेस की भी हैसियत थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां, बल्कि मैं कहूँ उसमें बसपा भी जोड़ लूँ, तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, कुछ का साथ कुछ का विकास या कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ और तुष्टिकरण करने का काज, कुछ का साथ और परिवार का विकास, इसका युग अब खत्म हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रही है और जीते। भारतीय जनता पार्टी न संविधान बदलना चाहती है और न लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता की सेवा किया है और सेवा करना चाहती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, गरीबों को अमीर बनाना चाहती है, नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। ये चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, जिनको लोकतंत्र या संविधान खतरे में नजर आता है, लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इनके राजनीतिक सूर्य का अस्त होना सुनिश्चित हो गया है, चार चुनाव हार करके हार का चौका लगा चुके हैं। दरअसल चुनावी प्रचार में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर कई आयामों को छूता नजर आया। प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।